in this section i will be talking about the volatility in the rate of return so if you are intending to invest in a certain stock it is important to look at the average of the expected rate of return and at the same time we do look at the volatility volatility ka matlab hota hai, to what extent there, is, there are variations in the data डेटा के अंदर जो जो रिटर्न की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं या वेरिएशन आ रही है वो किस हद तक है उसकी नौीय क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलीटिलिटी का डायमेंशन क्यों अहम है मैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि आपने कहा कि हम हमारे पास सपोज दो स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक में टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट या फिफ्टीन परसेंट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है आपने दूसरे में आपने टेन परसेंट निकाला है फिर हंड्रेड परसेंट है फिर माइनस फिफ्टी परसेंट है तो जो दूसरे सिचुएशन है उसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो काफ़ी बड़े हाथ की हो रही है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट स्टॉक जो मैंने अभी आपको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया है तो इसमें नुकसान और फायदे की जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है केस नंबर टू के लिए एज़ कम्पेयर टू केस वन इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट डायमेंशन टू लुक एट वेन यू आर इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक कि उसकी वॉलिटिलिटी क्या है उसके अंदर फ्लक्चुएशन किस नोयीत की होती हैं और फ्लक्चुएशन जो हैं वो पैमाना होती हैं रिस्क का भी तो हम रिस्क को कैसे नापते हैं उसके लिए हम स्टैंडर्डिएशन के टूल को दरा मल्टीपल वेज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रिस्क लेकिन जो बहुत ज़्यादा आसान भी है और कॉमनली इस्तेमाल होता है वो क्या है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं रिस्क के को को माइर करने के लिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली इज़ अ स्टस्टिकल टेक्निक वो हम स्टिस्टिकल एक कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है कि मीन के इर्द गिर्द ऑन एवरेज जो स्प्रेड है वेरिएशन चल रहा है डेटा में वो किस हद तक है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली इट टेल्स यू के ऑन एवरेज मीन से दूर तो कहाँ तक डेटा का स्प्रेड है या स्कैटर्ड हो रहा है डेटा तो वो उसका अंदाज़ा देते हैं और इसी खूबी की वजह से हम इसको रिस्क का मायर भी कंसिडर करते हैं क्वाइट ऑफ़न इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स तो स्टैंडर्ड एविएशन बेसिकली रिस्क को इंडिकेट करती है और अगर स्टैंडर्डाशन की वैल्यू कम छोटी निकलती है तो इसका मतलब होता है कि देर इज स्मॉलर रिस्क अटैच विद दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाजेशन का वैल्यू काफ़ी हाई है इट मीन्स दैट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज को रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यूज़ को लेके आपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्वेशन कैलकुलेट किया है वो हाईली रिस्की है उसके साथ हाई लेवल ऑफ रिस्क अटैच हुआ हुआ है अब सवाल पैदा होता है कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्वेशन कैलकुलेट कैसे होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न का तो उसके लिए आपने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साइन से एज यू कैन सी यहाँ पे सिग्मा डिफाइन हुआ हुआ है और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है फॉर्मूला के अंदर मैंने प्रोबेबिलिटी का लफ्स इस्तेमाल किया है रेट ऑफ़ रिटर्न की वैल्यू लगाई है आर आई के साथ आई का मतलब है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ़ रेट ऑफ़ रिटर्न ले रहे हैं हम एक वैल्यू से आप वेरिएशन को नहीं So एस्टिमेट और उसके बाद जो आपको e दिख रहा है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक और सेक्शन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न और इसको निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था आप इसको हाथ से कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं कागज तो पे आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी निकाल सकते हैं तो आप कोई पास मीन होना चाहिए आपके पास प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में उसको प्लग करेंगे कैसे प्लग करेंगे आपने हर रिटर्न की वैल्यू को उसकी मीन से सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्क्वायर करना है फिर आपने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको अप कर लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वेरियंस की वैल्यू होगी और जब आप वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और ये वैल्यू आपको पैमाना बताती है रिस्क अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सो डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया क्यों कैलकुलेट करते हैं बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट द ओवरऑल स्प्रेड और डिस्पर्शन और द रिस्क एसोसिएटेड विद अ सर्टन स्टॉक और अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट